नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। 1975 में पड़ी पाइपलाइन ने तोड़ दी दम। 10 वर्षों से बंद पड़ी ग्राम बेहला की पाइपलाइन। विकासखंड मानिकपुर के ग्राम पंचायत खींचरी के ग्राम बेहला के ग्रामीण आज भी पेयजल के लिए तरस रहे हैं। विगत 8 से 10 वर्षों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है। आने वाले समय में गहरा सकता है जल संकट। प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं आया हरकत में। जल कल योजना के तहत 1975 में पाइपलाइन संचालित की गई थी। ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा पीने योग्य पेयजल। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार जिला अधिकारी सहित जल संस्थान तक पत्र लिखा, लेकिन कार्रवाई के नाम लीपापोती कर दी जाती है। वहीं गांव के लोग 1 किलोमीटर दूर बन गंदे चौहाड़े का पानी पीने को मजबूर हैं, जिसमें अनेकों प्रकार की बीमारियां का भी सामना कर रहे हैं। अधिकारी का दिन है, कोई सुनता ही नहीं है कि अब पानी का व्यवस्था करावे, कोनो चीज का समस्या नहीं सुनाता है। इसको 8-10 सालों से टूटी पड़ी है और यहाँ से जिला अधिकारी तक भी इसकी रिपोर्ट दे चुके हम लोग और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पाइपलाइन यहाँ की टूटी पड़ी है। मैंने कई बार जिला अधिकारी से लेकर जल कल योजना तक को, जल संस्थान तक को लेटर लिखा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 1975 के तहत PVC लाइन पाइपलाइन टूटी डाली गई थी, लेकिन वो टूटी पड़ी है। गांव वालों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। मिनिमम लगभग 1 किलोमीटर दूर पानी को लेने के लिए जाना पड़ता है, जिससे बच्चों का समय भी काफ़ी बर्बाद होता है। विद्यालय में भी हैंडपम्प है, लेकिन वो पीने योग्य पानी नहीं देता। हैंडपम्प है जो कि लाल पानी निकलता है, जिससे हम पाठा का जहर कहते हैं।